हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन वाटर वर्ल्ड। ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। यहाँ पर दिखाया गया है सारे बर्फ के पहाड़ पिघल चुके हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। सूखी जमीन का नामो निशान तक नहीं है। समुंदर का लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वे समुंदर में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और इन सब ने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। मगर इन लोगों का विश्वास है समुंदर के आगे एक आइलैंड है और ये सब वहाँ पर जाना चाहते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन है और इसके पास एक वॉट है। वह आदमी एक डिब्बे में टॉयलेट करता है और उसको एक मशीन में डाल देता है और वह साफ हो जाता है और उसके बाद ये उसको पी लेता है क्योंकि समुंदर का पानी पी नहीं सकते और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। जॉन को समुंदर में एक वॉट दिखती है। जॉन उस आदमी को कहता है जब दो बंजारे मिलते हैं तो अपने सामान की अदला बदली करनी पड़ती है। वह आदमी कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी वहाँ पर आते हैं समुद्री लुटेरे जिनका काम बस लोगों को मारना और उनका सामान लूटना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरे को देखता है वह जॉन को फल दिखाता है जो अभी अभी उसने उसकी वॉट से चुराए थे। वह जॉन से कहता है तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी भी निकल नहीं सकते और वह आदमी वहाँ से भागता है। लेकिन जॉन की वॉट बहुत एडवांस थी, वो एक बटन दबाता है और उस आदमी की वॉट के पर्दे फाड़ देता है। उस आदमी की वॉट बहुत स्लो हो जाती है। वह लुटेरे उस आदमी को देख लेते हैं और उसको मार देते थे। लेकिन जॉन उन लुटेरों को नहीं दिखता इसलिए वह बच जाता है। जॉन फिर जल बस्ती पहुंचता है और उन लोगों को मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के जमाने में सोने चांदी हीरे जवाहरात की कीमत है उसी तरह उस जमाने में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी। और जॉन इसके सहारे जल बस्ती में आ जाता है। जब वे लोग मिट्टी को तोलते हैं तो वे 3.5 किलो की होती है। इसके बदले वे लोग जॉन को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। जॉन बोलता है मुझे 62 नहीं, मुझे इसके दुगने सिक्के चाहिए और वे लोग जॉन को दुगने सिक्के देने को तैयार हो जाते हैं। और इन लोगों के लिए मिट्टी की कीमत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये लोग उस मिट्टी में कुछ उगा के खा सकें। जॉन सिक्के लेकर एक दुकान पर आ जाता है और पीने का पानी खरीदता है। वहीं जॉन वहाँ पर एक टमाटर का पौधा देखता है और उसको खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की जॉन को बोलती है अगर तुमको ये पौधा चाहिए तो तुमको आधे सिक्के देने होंगे। जॉन को पौधा चाहिए था इसलिए वे सिक्के दे देता है और पौधा खरीद लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम मैरी है और इसके साथ एक लड़की और है जिसका नाम रोज है। जॉन दुकान से सामान खरीद कर जा रहा था तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है। वे लोग जॉन को बोलते हैं तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये लड़की गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेके जा सकते हो। बस्ती वाले जॉन को ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह इस बस्ती का नहीं है, वह बाहर से आया है और इन बस्ती वालों की प्रजाति है जो कमज़ोर है। जॉन साफ मना कर देता है। जॉन बोलता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझे देने को। जॉन जाने को होता है तभी बस्ती वालों को शक होता है कि ये लुटेरा है और वे लोग जॉन को पकड़ लेते हैं और देखते हैं उसके कान के पीछे गिल्स है। गिल्स देखने के बाद में एक आदमी चिल्लाता है और बोलता है ये म्यूटेंट हैं और वे लोग जॉन को कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते हैं क्योंकि उसके मरने के बाद उसके शरीर की खाद बनाई जा सके। जॉन डूबने वाला होता है तभी लुटेरे उस बस्ती पर हमला कर देते हैं। उसकी मदद के लिए मैरी आती है और बोलती है मैं तुमको बचा सकती हूँ मगर बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। जॉन मान जाता है और वे तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। लुटेरे उस बस्ती पर कब्जा करके उसको तहस नहस कर देते हैं। लुटेरों का सरदार बोलता है मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये लुटेरा रोज की बात कर रहा होता है क्योंकि रोज की पीठ पर एक टैटू बना हुआ है और इन लोगों का मानना है कि ये ड्राई लैंड पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक तो वे लुटेरे जिनका काम मरना और मारना है, दूसरे वे लोग जो बस्तियों में रहते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं और ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और जॉन म्यूटेंट है। जॉन मैरी को बोलता है हमें रोज को मारना होगा क्योंकि हमारे पास में इतना पानी नहीं है कि वह हम तीनों जिंदा रह सकें क्योंकि यहाँ पानी कीमत बहुत ज़्यादा है। समुद्र का पानी ये पी नहीं सकते और इनके पास कोई सोर्स भी नहीं है। मैरी ऐसा करने से मना कर देती है। मैरी बोलती है ये बच्ची है जॉन। जॉन बोलता है बिना पानी के तुम मर जाओगे, इससे अच्छा एक पहले ही मर जाए। मैरी जॉन को मना लेती है और जॉन
रोज को नहीं मारता। दूसरी तरफ लुटेरों के सरदार को देखते हैं जिसकी टैटू वाली लड़की चाहिए, इसलिए वे अपने आदमियों को प्लेन से जॉन के पीछे भेजता है और वे लोग जॉन के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जॉन हथियार लेने के लिए अंदर जाता है और मेरी को लगता है जॉन भाग गया है, इसलिए मेरी उस लड़ाई में कूद पड़ती है और वहां पर एक बंदूक होती है और मेरी प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से तार निकल जो वॉर्ड से जुड़ी हुई थी और वे सीधे प्लेन में फंस जाती है। प्लेन अब वॉर्ड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, तभी जॉन वहां पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। मगर जॉन की नाव का पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका है। गुस्से में आकर जॉन मेरी और रोज के बाल काट देता है और गुस्से में बोलता है, आज के बाद मेरी किसी भी चीज को छूना मत। उसके बाद ही अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ टाइम बाद उनको समुंदर में एक वॉर्ड दिखती है जिस पर एक आदमी होता है। मेरी जॉन को बोलती है, हमें इस आदमी से बात करनी चाहिए, क्या पता इसके पास कुछ खाने को हो। लेकिन जॉन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी की वजह से जॉन उससे बात करता है। उस आदमी के पास में एक बहुत बेशकीमती चीज़ होती है और वह होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी ही पानी है और कागज बनाना नामुमकिन है। वह आदमी जॉन को बोलता है, मैं तुमको कागज दूंगा मगर बदले में तुम्हें मुझे मेरी को देना होगा। जॉन मान जाता है। वह उस आदमी को बोलता है, ठीक है आधे घंटे के लिए मेरी तुम्हारी हुई। वह आदमी मेरी को अपनी नाव के अंदर ले जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन आ जाता है और उस आदमी को बोलता है, हमारी डील कैंसिल हुई। वह आदमी चाकू निकाल लेता है और जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। जॉन उसको मार देता है। जॉन जानता है ये दोनों भूखी है, इसलिए समुद्र में जाकर एक बहुत बड़ी मछली मारता है और वह पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे जॉन की मेरी से दोस्ती हो जाती है। अब जॉन रोज को तैरना भी सिखाता है, जहां इनके साथ रहना पसंद नहीं करता था, अब वे इनका हिस्सा है। एक दिन जॉन देखता है वे लुटेरे इनका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि इनको रोज चाहिए। रोज की पीठ पर जो टैटू है वह ड्राई लैंड का नक्शा है और वह उनको चाहिए, लेकिन जॉन अपनी समझ से वहां से निकल जाता है। लेकिन जॉन को उन पर शक हो जाता है, ये लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो इनके साथ में कोई दुश्मनी भी नहीं है। मेरी जॉन को बोलती है, रोज की पीठ पर जो नक्शा है वह ड्राई लैंड नक्शा है और वे इन लुटेरों को चाहिए। जॉन बोलता है, ये बेवकूफी है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। लेकिन मेरी बोलती है, ऐसी जगह है, जब रोज हमें मिली थी इसकी टोकरी में मिट्टी मिली थी और वह मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से खूबसूरत थी और बेहतरीन थी। जॉन मेरी को बोलता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ सूखी धरती। जॉन मेरी को समुंदर की गहराइयों में ले जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और वह वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहां लोग रहते थे, क्योंकि वह मेरी को इसलिए बताता है जो मेरी के मन के अंदर झूठी उम्मीद है वह खत्म हो जाए। जब वे लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं लुटेरों ने उनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे उनसे पूछते हैं, रोज कहां पर है। रोज लुटेरों को देखकर पहले ही छुप गई थी। मेरी रोज को देख लेती है मगर चुप रहती है, क्योंकि लुटेरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लुटेरों का सरदार बोलता है, अगर ये लोग नहीं बता रहे तो इनको मार दो। लेकिन रोज बाहर आ जाती है। लुटेरों का सरदार बोलता है, इनको मार दो। लेकिन मेरी जॉन को लेकर समुंदर में कूद जाती है, लेकिन मेरी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, क्योंकि वे जॉन की तरह म्यूटेंट नहीं है। जॉन मेरी को अपने मुँह से सांस देता है और वे लोग काफ़ी देर तक पानी के अंदर रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं लुटेरों ने इनकी नाव को तोड़ दिया है। मेरी जॉन की अच्छाइयों से प्यार करने लग जाती है और ये काफ़ी करीब आ जाते हैं। जॉन को अपनी नाव कागज का टुकड़ा मिलता है जो उस आदमी ने दिया था। उस पर सूखी धरती का चित्र बना था, उस पर भी बहुत सारे पेड़ थे। वैसा ही चित्र रोज की पीठ पर बना था। जॉन समझ जाता है ये जो नक्शा है ये सूखी धरती का है, लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसके पास उड़ने वाला बैलून था और वह आदमी मेरी की बस्ती का था जहाँ वह लुटेरे गए थे। उस बस्ती से वह आदमी भाग कर यहाँ पर आ गया था। मेरी को बोलता है, अच्छा हो तुमने नाव जला दी, वरना मैं तुमको ढूंढ नहीं पाता, धुएं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर वह आदमी दोनों को बलून पर लेकर आता है, लेकिन जॉन डिसाइड करता है वह बस्ती जाएगा और रोज को लेकर आएगा। जॉन बस्ती पहुँच जाता है और लुटेरों के सरदार को बोलता है, मुझे वह बच्ची चाहिए। लुटेरों का सरदार बोलता है, बेटा अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। जॉन एक मशाल निकालता है, पास में एक टैंक में डाल देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर सारे आदमी मारे जाते हैं। जॉन रोज को ढूंढने लगता है और देखता है लुटेरों का सरदार रोज को प्लेन पर ले जा रहा है। जॉन प्लेन पर रस्सी लटका के प्लेन को क्रैश करा देता है। मेरी वहाँ पर उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और उनको बचा ले जाती है, मगर लुटेरों का सरदार अभी भी बचा हुआ है। वह रोज पर गोली चलाता है मगर गोली रोज को नहीं लगती, वह साइड से निकल जाती है और वह पानी में गिर जाती है। लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉन ऊपर से जंप करता है और रोज को बचाकर दूसरी तरफ ले जाता है। लुटेरे रोज को पकड़ने आ रहे थे,
ये आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब मारे जाते हैं। बलून वाला आदमी नक्शे को पढ़ लेता है उनको और उसका पता लगा लेता है और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल थे। वे रोज के माँ बाप थे, उनके पास टैटू बनाने वाला सामान था, उनको पता था यहाँ पर सब मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रोज की पीठ पर टैटू वाला नक्शा बना दिया था और सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, जिसको भी रोज मिले वह समझ जाए यहाँ पर ड्राई लैंड है। उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि रोज छोटी थी, अगर वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती। माँ बाप ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, फाइनली सूखी धरती पर पहुंच जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं जॉन का वहाँ पर मन नहीं लग रहा है क्योंकि वह इंसान नहीं है, गिल्स है, इसलिए वह समुंदर में जाना चाहता है, लेकिन रोज मेरी नहीं चाहते कि वह वहाँ से जाए, उसको जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुंदर है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।